ना। मणिशंकर अय्यर, काम बने हुए खेल को बिगाड़ना, उद्देश्य आगे बढ़ने पर टांग खींचना और अड़ाना। राहुल के सपने पूरे हो जाते अगर कांग्रेस में आस्तीन के सांप मणिशंकर अय्यर सपोला बनकर अपने बयान से मोदी को नहीं डसते, तो शायद 22 साल से सत्ता के लिए तरस रही कांग्रेस के अधूरे सपने गुजरात में पूरे हो जाते। अगर मणिशंकर अय्यर पीएम मोदी पर जातिवाद का जहर नहीं उगलते तो कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंचकर कंगाल नहीं बनती। आइए आपको कांग्रेस के खलनायक के वो जहरीली जुबान सुनाते हैं जिसके बाद बीजेपी को संजीवनी मिल गई थी। अब इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें और वो भी जबकि अंबेडकर जी के के, के, के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है, मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। इसी बयान ने कांग्रेस को कंगाल कर दिया और बीजेपी की झोली में शायद जीत दे दी। इसी बयान ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया और बीजेपी के अरमानों को पंख लगा दिए। एक तरफ मणिशंकर ने अपनी जुबान से मोदी पर नीच शब्द उगला ही था कि राजनीति के महारथी पीएम मोदी ने नीच शब्द में नमक मिर्च मिलाकर गुजरात के चुनाव में परोस दिया। भाइयों बहनों, तमे हमने गधेड़ा किदा, तमे हमने गंदी नाली ना कीड़ा किदा, तमे हमने नीच जाति ना किदा, तमे मैंने नीच किधा, मने गर्व थे भले हूं नीच जाति न हो, भले हूं नीच हो, परंतु उच्च कामों करीने रहवानो छू, ये मारा संस्कार छे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी संजीवनी की जरूरत थी और मणिशंकर ने समझो नाक से मणि निकालकर मोदी को दे दी हो। पीएम ने इस शब्द का ऐसा कॉकटेल बनाया कि राहुल के राह में मणिशंकर का रोड़ा अटका दिया। चुनाव से पहले ये दूसरा मौका था जब मणिशंकर ने दो मुद्दे दिए। पहले राहुल के अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया को औरंगजेब शासन से जोड़ा और फिर नीच शब्द बोलकर यह बता दिया कि वो है कांग्रेस के असली खलनायक। इस बयान के बाद कांग्रेस ने भले ही मणिशंकर को पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन तब तक बीजेपी इसे भुना चुकी थी। यही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी को कहा था कि एक चाय वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा। अय्यर ने यह कहकर कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी थी और मोदी को चुनाव में मुद्दा बनाकर उसे भुनाने का मौका दिया। इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। कांग्रेस में इनका कद घटता गया, शायद इसका बदला लेने के लिए मणिशंकर लगातार वो बयान देते रहे जिससे कांग्रेस की किरकिरी हो और इनका मकसद पूरा हो सके। अभी 2 महीने पहले ही मणिशंकर अय्यर ने तत्कालीन पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला था। अय्यर ने कहा था कि पार्टी में माँ बेटे के रहते हुए किसी का भला नहीं हो सकता। अय्यर देश में रहें या विदेश में, कांग्रेस की नाव में बैठकर छेद फीवे करते रहे हैं। नवंबर 2015 को एक प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनकर पाकिस्तान पहुंचे मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान चैनल को दिया इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो मोदी सरकार को हटा दो। जिस कांग्रेस ने मणिशंकर को राजनीतिक जमीन दी उसी की जमीन खिसकाने में वे लगे रहे। कांग्रेस के लिए मणिशंकर नायक तो कभी नहीं बन पाए लेकिन खलनायक जरूर बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।